कोविड 19 संक्रमित मरीज मिलने के बाद 21 इलाकों को सील किया गया है। मनपा आयुक्त तुकाराम मुंडे ने संबंध में आदेश जारी किए। 3 इलाकों में प्रतिबंध मुक्त करने और 2 को दायरा सीमित करने का आदेश भी जारी किया गया। खरीफ के मौसम में नागपुर जिले से सब्जियों की आवक कम हो गई है। बाहरी जिलों से बिक्री के लिए आने वाले सब्जियों के दाम बहुत बढ़ गए हैं। टमाटर की आवक बेंगलुरु और संगमनेर से हो रही है, इस कारण टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। खुदरा में टमाटर 50 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। बाजार में सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। लॉकडाउन से पहले की तुलना में अब सब्जियों के दाम दुगना और तिगुना इजाफा हुआ है। सिविल लाइन स्थित मनपा मुख्यालय की दूसरी मंजिल पर मौजूदा कर टैक्स विभाग के एसी में सोमवार की शाम 6:35 पर अचानक आग लगी। आग की खबर मिलते ही तल मंजिल पर मौजूदा दलकर्मी मौके पर पहुंचे। तब तक विभाग के सतर्क कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि आग की वजह से कक्ष में धुआं भर गया था। कोविड 19 के बढ़ते मरीजों को देखते हुए लॉकडाउन की चर्चा जोरों पर शुरू हो गई है। आयुक्त तुकाराम मुंडे के बाद पालक मंत्री नितिन राउत ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर लॉकडाउन की चेतावनी दी है, लेकिन अधिकांश अधिकारी पदाधिकारी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। कोविड 19 के संक्रमण के साथ साथ डेंगू के भी मरीजों की संख्या बढ़ने से नागपुर जिले की जनता भयभीत है। जनवरी से 18 जुलाई तक नागपुर जिले में 30 मरीज पाए गए हैं। 2 की मृत्यु दर्ज की गई। पिछले वर्ष डेंगू के 721 मरीज पाए गए थे और 5 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई थी। गिट्टी खदान की नर्मदा सोसाइटी में एक 13 साल के बालक ने फांसी लगाकर जान दे दी। आरंभिक पड़ताल में पबजी गेम्स के चलते बालक ने खुदकुशी किए जाने का संदेह है। मृतक राजवीर नरेंद्र सिंह ठाकुर है। क्राइम ब्रांच के नायक सिपाही नरेंद्र ठाकुर योगेंद्र नगर की नर्मदा सोसाइटी में रहते हैं। कोविड संक्रमण ने राखी की खरीदी का तरीका भी बदल दिया। राखी का पर्व नजदीक है और इसका उत्साह भी है। हालांकि यह बाजारों में नजर आकर सोशल मीडिया पर दिख रहा है। शहर के आसपास के क्षेत्रों के साथ ही विदर्भ और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों के खुदरा दुकानदार थोक व्यापारियों के संपर्क में है। कोविड 19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने दुपहिया पर 1-4 पहिया वाहनों पर चालक सहित 3 लोगों को यात्रा की अनुमति दी है, लेकिन 3 जून के बाद शिथिलता दिए जाने के बाद सड़कों पर दुपहिया पर डबल ट्रिपल सीट और कारों में 5-6 सवारियां देखी जा रही थी। नेता बनकर अपराध जगत में सक्रिय चर्चित साहिल और समीर सैयद मनपा के एक बड़े अधिकारी से मुलाकात करना कबूल किया। पूछताछ में इस आशय का खुलासा होने से मनपा अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें साहिल से अपने रिश्तों की पोल खुलने का खतरा नजर आ रहा है। स्थानीय लोहकरे लेआउट में नकाब पोश आरोपियों ने दंपति पर 2 राउंड फायरिंग की। सोमवार की सुबह 11:30 हुई इस वारदात से सनसनी फैल गई। घायलों में गणेश सुधाकर मेश्राम व प्रियंका गणेश मेश्राम शामिल है। उन्हें मेयो अस्पताल में भर्ती किया गया है।